निक्की तंबोली के फैंस कस लीजिए अपनी कमर, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि निक्की तंबोली बोल रही है जस जालीदार को कि तू तो है कल्ला रह जाएगा। मैं राहुल बोझ स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, निक्की तंबोली कहती है, here is presenting the first poster of my latest music video, कल्ला रह जाएगा, which is beautifully sung by Jazz Zalidar, official and releasing soon on LYFTM Studios YouTube channel। और उन्होंने इस तरीके से अपना पहला अमेजिंग लुक, बहुत खूबसूरत लग रही है बाय द वे निक्की, एंड निक्की है ना यहाँ पे टी शेयर करते हुए नजर आ रही है दोस्तों जैस के साथ। मैं आपको दिखाता हूं, यू विल लव इट। ये टी शेयर, ये टी है, ये शेयर करते हुए नजर आ रही है। बिग बॉस खत्म करने के बाद निक्की तंबोली की जैसे चांदी ही चांदी हो गई, हालांकि उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ भी टूटा दोस्तों। लेकिन अगर बात करें तो निक्की तंबोली जिस तरीके से जिस तरीके से चीजें करती हैं वो लाजवाब है। निक्की तंबोली की अगर मैं बात करूं तो निक्की तंबोली ने ऑफकोर्स बिग बॉस करने के बाद एक पार्टी सॉन्ग भी किया है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ओपनिंग दी है उन्होंने, और सलोन में ओपनिंग करी है, और फिर उसके बाद निक्की जो है पहुंच गई थी पंजाब, जहां पे उन्होंने एक और गाने की शूटिंग करी, और फिर अब जो है केप टाउन में है और अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों निक्की तंबोली के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम फीफा फूज टीम, मेरी तरफ से, राहुल बोझ की तरफ से। एंड अगर बात करें दोस्तों तो यस ऑफकोर्स निक्की तंबोली ने दुख भी झेला है, उसकी भी बात कर ली थी मैंने, और उन्होंने अपने भाई को भी खोया है, बट ये अच्छी बात है कि लड़की जो है मेहनत कर रही है और आगे बढ़ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।